चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के बाद हर एक देश की चांद के दक्षिणी ध्रुव में दिलचस्पी बढ़ गई है। इसी कड़ी में अमेरिका के नासा के द्वारा पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ खोज ली गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक ऐसे इलाके की तस्वीर पहली बार ली है जो कि नया खुलासा कर रही है। ये दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे वाले हिस्से की तस्वीर है। इस हिस्से में एक बेहद बड़ा गड्ढा है जिसका नाम शैकलेटॉन क्रेटर है। ये दक्षिणी ध्रुव के पहाड़ी वाले हिस्से में है। अगर बात करें शैकलेटॉन क्रेटर के बीचों बीच तापमान की, तो यहाँ का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस रहता है। चांद इस इलाके में अपनी धुरी पर थोड़ा झुका हुआ है और यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं। इसलिए वहाँ की ऊंची चोटियों पर तो सूरज की रोशनी पहुँच जाती है, लेकिन इस गड्ढे में अरबों साल से नहीं पहुँची है। इसके आसपास का इलाका भी पूरी तरह से अंधेरे में रहता है। यहाँ तापमान -250 के पार पहुँच जाता है। यहाँ कई जगहों पर बर्फ जमी हो सकती है। चांद के इस अंधेरे वाले हिस्से में काफी ज्यादा बर्फ होने का अनुमान है। शैकलेटॉन क्रेटर की तस्वीर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको गड्ढे के अंदर के हिस्से का नजारा ऐसा दिखेगा जैसे वो बर्फ से भरा हुआ है। वहाँ किसी तरह का ग्लेशियर बना है। हो सकता है कि वहाँ पर पानी और पर्याप्त मात्रा में बर्फ हो। उम्मीद तो यही लगाई जाती है। चांद का अंधेरे वाला हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या है, क्या वहाँ पानी है और कोई जीव रहते हैं, बर्फ है तो किस रूप में है। ये सब एक रिसर्च की बात है। आपको क्या लगता है वहाँ क्या हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।